अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ्स के फार्मूले को डिटेल के अंदर समझेंगे कि दोनों फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है, इनको किस तरह से यूज किया जाता है और ये दोनों फार्मूलाज किस तरह से वर्किंग करते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक सेल्स रिपोर्ट नजर आ रही है। ये सेल्स रिपोर्ट आपकी डेली की भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। अब आपने सबसे पहले एम्प्लॉय नेम है, फिर टाउन है, फिर सेल्स अमाउंट है और हर एम्प्लॉय की जो एंट्री है वो एक से ज्यादा मरतबा यहाँ पर रिपीट हुई हुई है, इंटर हुई हुई है। ठीक है, अब हमें एक ऐसा फार्मूला इंटर करना है कि हम फॉर एग्जांपल शहरियार एम्प्लॉय जो है इसकी जो टोटल सेल है वो हमारे सामने आ जाए। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेंगे समी फार्मूले की एम्प्लॉय नेम के हवाले से। ठीक है, हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करें और यहाँ पर उसकी टोटल सेल अमाउंट आ जाए। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी एम्प्लॉय नेम टाइप कर सकते हैं लेकिन आप यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर देंगे ताकि बार बार आपको टाइपिंग ना करना पड़े। तो इसके लिए आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं इसी शीट के साइड में कहीं पर या दूसरी शीट पर उन तमाम एम्प्लॉय की एक लिस्ट तैयार कर लें। इसके बाद यहां पर आएं, जिस जगह आपने फार्मूला इनपुट करना है एम्प्लॉय नेम पर सेल सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद अलाउ बॉक्स में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और सोर्स यहाँ पर जो आपने एम्प्लॉय लिस्ट बनाई है उस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है और इसमें नेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम शहरियार को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ हमें टोटल सेल चाहिए शहरियार की, तो हम यहाँ पर सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। तो सम इफ का फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया एम्प्लॉय नेम हमारा क्राइटेरिया है, इसकी मदद से हम इस लिस्ट में से इसको सर्च करेंगे कि शहरियार की कौन कौन सी एंट्रीज हैं, कॉमा, और इसके बाद सेल अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है सम ऑफ रेंज। फार्मूले में आपको तमाम चीज़ें बता रहा होता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बाद इंटर कर दें तो ये आपके पास शहरियार की टोटल सेल आ गई है। अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम चेंज करें फहद, तो ये फहद की टोटल सेल आ गई, असद, असद की टोटल सेल आ गई और इसी तरह अली की टोटल सेल आ गई। अब आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम की जगह आप टाउन में देखें कि किस टाउन में किस एरिया में सेल अमाउंट किसका कितना है, तो इसके लिए आप एक टाउन की भी लिस्ट तैयार करेंगे और डेटा टैब पर जाकर सबसे पहले इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। इसके बाद ओके, यहाँ पे फार्मूला इनपुट करेंगे इक्वल समीर ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब आपने टाउन को सिलेक्ट करना है यानी कि टाउन के कॉलम को, कॉमा क्राइटेरिया आपका टाउन, कॉमा सम ऑफ रेंज सेल अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटर। तो ये आ गई आपकी गुलशन इकबाल की सेल और इसी तरह नॉर्थ कराची की सेल देखना चाहते हैं तो ये टोटल नॉर्थ कराची की सेल आ गई। अब आप दोनों को क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं यानी कि एम्प्लॉय नेम और किस एम्प्लॉय में ने किस टाउन में टोटल सेल की, किस एम्प्लॉय ने किस टाउन में कितनी सेल की, उसका टोटल अमाउंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन लिस्ट और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है एम्प्लॉय नेम की लिस्ट को एंड ओके। इसके बाद टाउन डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स पे आकर टाउन को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब यहां पे हमें टोटल सेल अमाउंट चाहिए तो अब दो चीज को हम क्राइटेरिया बना रहे हैं। सम इफ के फॉर्मूले में वन क्राइटेरिया होता है और सम इफ के फॉर्मूले में टू क्राइटेरिया हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले आपने सम ऑफ रेंज यानी कि सेल अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉमा
ठीक है। इसके बाद क्राइटेरिया, ये एम्प्लॉय नेम सबसे पहले, फिर कॉमा क्राइटेरिया 1 ये आ गया हमारे पास, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 टाउन वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा, और ये आ गया इसका रेंज 2 का क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, शहरयार ने सदर में कितनी सेल की, ये सदर में आ गई। एम्प्लॉय नेम चेंज कर दें, तो बहुत ही काम का फार्मूला है। और इसके बाद आप इस लिस्ट को पहले हाइड कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि सम इफ और सम इफ्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।